चलिए दोस्तों बनानी शुरू करते हैं कॉफी। और मैंने पानी लिया है, इसमें पानी अगर मैं दिखाऊं आपको तो ऑलमोस्ट ये 3 कप पानी है, तीन कप पानी है, बट ये जो मेरे कप का साइज थोड़ा बड़ा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इधर मैंने ओपन किया इसको और जो पानी है इसमें डाल दिया है। जितना पानी होगा उतनी कॉफी बनेगी। और ये जो है जितनी कॉफी हम रेगुलर यूज करते हैं, मतलब 2 कप के लिए, तो 2 थोड़े बड़े कप है, तो उतनी कॉफी मैंने ली है। आपको मैं थोड़ा क्लोजली अगर दिखाऊँ तो ये वाली कॉफी ब्रू कॉफी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और ये इसमें हमने डालनी है। तो ये फिल्टर वगैरह प्री इंस्टॉल्ड आता है सब कुछ, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। और मैं कॉफी बनाने के बाद दिखाऊंगा कि जो इसकी कंडीशन है वो कैसे हो जाती है। कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें हमने डाल दिया और इसको हमने बंद कर देना है। बंद किया, लॉक किया, और उसके बाद जो जार है ये हमने इसके नीचे कुछ ऐसे प्लेस कर देना है और बटन को बस ऑन कर देना है। और अब हम देखेंगे इसका जादू। तो हमने इसको कप में निकाल लिया कॉफी को। और अगर मैं आपको एक्चुअल कलर इसका दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, शायद ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। और ये जो कलर है ये आप देख पाओगे, कुछ ऐसी कॉफी बनी है। तो ऑफिस वगैरह में जो मशीन होती है बेसिकली उसी तरह का कुछ फंक्शन है इसमें, और वैसी कॉफी आप इसमें बना सकते हैं। और जो जार है वो आप इसमें देख सकते हो, कॉफ़ी यहाँ पे कुछ रखी हुई है। तो 1 कप मैंने निकाल लिया और ऑलमोस्ट 1 कप ही जो है इसमें बचा हुआ है। तो ये बिना मिल्क वाली कॉफ़ी है। अगर आपको मिल्क वाली कॉफ़ी पीने के शौकीन है तो आपको इस यहाँ पे इस पार्ट में अब जो है शुगर और मिल्क जो है ऐड करनी होती है। तो बस ये क्या काम करता है, ये कॉफ़ी मेकर जो है सिंपल सा एक प्रोसेस यूज़ करता है, और वो होता है कि ये पानी और कॉफ़ी को अच्छी तरह मिक्स कर देता है। अगर आपके कोई भी सवाल है इसको लेके तो कमेंट करना ना भूलें। बाकी दूध वाली कॉफ़ी भी नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाएंगे इससे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और आज के लिए इतना ही।